एग्जाम कराम दुई को मतलब नौ नौ दस बजे दस बजे तो तेरे टाइम को दियो हाथी हाथ करो बड़ा अंधेरे को दियो मैं मोबाइल दे नकल कराओ बड़ा इतनी इतनी परेशान है मैं तो दादा करी करो बड़े यार नौ पैंतीस बाद बड़े यार इतने टाइम हो तो तो वीडियो बना वीडियो वीडियो बना मैं फोन कर रहा हूं यहां मैन के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ो, पर जो मुझे इन्होंने बताया कॉल आया मेरे पास कि अभी तक एग्जाम में 20 मिनट पड़े हैं, हमारे को एंट्री नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं वहां पर पहुंचा तो इन्होंने पुलिस प्रशासन तब तक बड़ा तैनात कर दिया था और उन्होंने एंट्री नहीं दी। फिर भी किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन से समझाइश करके एंट्री भी दिला दी। फिर भी उनको जैसे जैसे करके हमारे को एक्साइट करके उनको टाइम समय निकालना था कि एग्जाम का समय निकल जाए उसके बाद कुछ होना चाहिए। मुख्य परीक्षा प्रभारी था और महाविद्यालय प्रभारी था, उन्होंने एक साइड जाकर आपस में चर्चा की तो कि अगर अपन एग्जाम तो दिला सकते हैं, पर इन्होंने आपस में अपना स्वाभिमान या ईगो को समझते हुए कि अगर हमने ईगो एग्जाम अगर करवा दिया तो कहीं ना कहीं हमारे को कल छात्रों के सामने नीचा देखना पड़ेगा। इतनी तो इनकी ओछी मानसिकता है, पर मुझे नहीं लगा कि इतनी घटिया स्तर की इनको शिक्षक आदर्श मानेंगे। इनको कहीं ना कहीं इनकी बड़ी लापरवाही रही है, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी। मैंने कोई बाधा नहीं की, मैंने मेरे छात्र भाइयों के लिए उन बहनों के लिए मैंने की लड़ाई लड़ी, इसलिए तो उन्होंने प्रशासन के माध्यम से मुझे दबाना था। मेरे साथ लाठीचार्ज भी करने को तैयार हो गए, हाथापाई की मेरे सामने, मेरे कपड़े खींचे, मेरे को घसीटा गया, तो इसलिए आपस में झड़प हुई। कहीं ना कहीं वो अपना पावर दिखाते हुए वो अपने ईगो का सवाल समझते हुए मेरे को दबाने की कोशिश की। मैंने कोई गलती नहीं की, पर उनको सोचना चाहिए कि बाहर जो गुहार लगाते बड़बड़ाते जो बेचारे विद्यार्थी थे उनकी हित की उनको सोचनी चाहिए। इनके खिलाफ कई ऐसे मामले हुए, आज से 10 दिन का पहले भी मामला हुआ। एक विद्यार्थी बड़ी दूर से 100 किलोमीटर से दूर से आया, उनके घर पे कोई दादी जी गुजर रखे थे, उनका कोई वो था कोई पोतिया बंद वाला वो टाकना था, पर वहां से वो यहाँ तक आया 10 मिनट उसको देरी हो गई, फिर भी उन्होंने इसके अंदर नहीं घुसने दिया। ये बड़ी इस महाविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह होता है। मैं आप बंधुओं के माध्यम से इन जो इनमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई करें, इनको जो भी है वो सजा दिलाए। आगामी क्या